एनएमडीसी लौह अयस्क खदान के सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान मन के AK-47 समेत 30 राउंड कारतूस कैसे हुई गायब और कैसे कहां मिलिस, देखो रिपोर्ट। दंतेवाड़ा के बचेली मा एनएमडीसी लौह अयस्क खदान के सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान मन के AK-47 बंदूक और 30 राउंड कारतूस 10 जनवरी के बिहनिया अचानक गायब हो गई। जवान मन के द्वारा अपन स्तर में खोजबीन करे के बाद संझा पुलिस ला चोरी के सूचना दी गई। घटना के सूचना मिलते ही पुलिस तुरंते हरकत में आई। एसपी अभिषेक पल्लव हा पूरा घटना ला अपन संज्ञान में लेके तुरंत कार्यवाही करीस और 24 घंटा के भीतर आरोपी ला गिरफ्तार करीस। फिर वो आनाकानी कर रहे थे, दबाव बनाने के लिए उन्होंने बताया कि जहाँ पहले वो पदस्थ थे सिपट एनटीपीसी सिपट बिलासपुर, वहां पर छिपा है, वहीं पे जाके गेट के सामने गड्ढे में उन्होंने छिपाया हुआ था, जिसको रिकवर किया गया है। प्राइमरी पूछताछ में वो कह रहे हैं कि AK-47 को ले जाके तमिलनाडु में कुछ गांव में कुछ लोगों से उनकी दुश्मनी थी, जिन्होंने पहले उनकी मारपिटाई की थी, जिसमें वो जेल गए थे। जेल से छूटने के बाद उनको धमका रहे थे, तो उनसे बदला लेने के लिए 5-6 लोगों को गोली मार के हत्या करने की इनकी प्लानिंग थी। सही समय पर AK-47 रिकवर हो गया, नहीं तो काफी लोगों की जाने भी जा सकती थी और बाद में AK-47 किसी को बेचा भी जा सकता था, जो कि आगे देश के लिए खतरा हो सकता है। आरोपी है अपन पुराना दुश्मनी के चलते लोगन मन के हत्या के उद्देश्य ले ये चोरी ला अंजाम देना कबूल करे है। पुलिस आरोपी कांस्टेबल के निशानदेही में बिलासपुर के सीपत ले चोरी किए गए AK-47 और 30 राउंड कारतूस ला बरामद करके आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिए है। दंतेवाड़ा ले डिजिटल रिपोर्टर मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट।